सच में लग तो अच्छी नहीं। ड्रामे बाजी मत कर, काठ में भी ऑर्डर कर दिया और ये आए हैं सीट की गल है और कुछ मजेदार लेके आए हैं। तो वो इस गाना रिकॉर्ड हो गया है और वो ऑलरेडी नॉलेज है भाई को, धुन धोनी शुरू हो गई। आप देख छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा फ्रेश लगे क्योंकि मैं बहुत सोया हूँ और अभी बज गए हैं एक। गोलूरपाल घर पे हैं क्योंकि आज है ग्रहण, तो सैलून जाना मेरी जिम्मेवारी हो गई आज। तो पायल मैडम यहाँ पे सफाई कर रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो मैडम? ऐसा इसलिए कर रही हूँ गुड्डू की डस्टिंग ना रोज होनी चाहिए, वरना चीजें खराब हो जाती है। ये व्हाइट कलर है ना, इस पर डस्ट जमता रहेगा तो जम जाएगा, कुछ भी पानी वानी गिरा दो, इसलिए रोज डस्टिंग होनी चाहिए। ये वाली फोटो में पायल लग रही है 16 साल की, ये अभी एक साल पहले की है। नहीं, इसमें 16 साल निकाल दो इसे। हाँ, निकाल दे, हटा दे, यहाँ पे कोई और यूट्यूब बटन आ जाएगा। तो गाइस अभी भी ना हमारी ना ये लगा लो कि 90% काम तो हो गया, 10% रह गया। तो अभी फ्रिज की सफाई, साथ में हमारा जो आर ओ है वो, दूसरी मशीन, बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है। और चीकू के पापा ने एक और बात बोली कि गोलू जितने भी फ्रेम्स है ना, जो फालतू के फ्रेम्स है, वो सब जाके नीचे बेड में रख दो। तो ये आपकी ना जो दोपहर की मील है पैक कर दिए, मिड इवनिंग और दोपहर की, खाना खाने के एक घंटे बाद डिटॉक्स वाटर पी लेना, ठीक है? देखना अभी भी हाथ लगाना है इसको, गर्म है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ फिर, है ना? ठीक है, आप जाओ, हम तो सारे पर्दे पुर्दे लगा क्या के सोच रहे थे अभी? वो ये सोच रहे हैं हम कि ना एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो होता है, जो बच्चे के साथ नाड़ निकलती है ना, प्लान होता है, उस नाड़ को ना सेव करके रखते हैं, इन फ्यूचर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई भी बड़ी बीमारी होती है ना, तो उससे इलाज हो जाता है। और देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो यूम्बिकल कॉर्ड होती है ना, एक अलग कॉर्ड बैंकिंग में जाती है और वो एक तरह से इंश्योरेंस होती है। अगर हमें फ्यूचर के अंदर कोई भी मेडिकल नीड चाहिए होती है बच्चे की, तो वो काम आती है। और मतलब कि बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जो साइंस है ना बहुत एडवांस हो गई है। चीकू के टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी, बट इस बार हम क्या करेंगे, हम तीनों बच्चों की ना जो यूम्बिकल कॉर्ड है वो प्रिजर्व कराएंगे। तो हमारे सामने पहुंच चुके हैं डीके भाई और अभी राम जी अभी अभी भाई पहुंचा है और अपने साथ अपरिचित है। अपरिचित आपको दिखता रहा करेगा, ये भी छोटा भाई है। तो बस काजल नहीं निकला आंखों में से गाइस, अब तक देख रहे हो 3 दिन हो गए, पर आज मैं सोया बहुत हूँ, मजा आ गया। कितने घंटे? मतलब कल सोया था मैं शाम को 9:30 बजे, अभी 12 बजे उठा। तो हेयर स्टाइल करवा लिया मैंने, बिल्कुल डन। तो अभी हम बनाएंगे गाने पे रील, और जिस जिसने गाना अभी तक नहीं देखा देख लो जाके, अभी भी आज 8 दिन हो गए, गाना आज भी ट्रेंडिंग नंबर 7 पे है, जाके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत सारी रील वील बना दी है, अभी खाना खाने का टाइम है, खाने में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रील बताएगी डाइट कैसी लग रही है देखने से? भैया सच में लग तो अच्छी नहीं, बट खाने में टेस्ट आप भी बता सकते हो कैसी लग रही है। साथ में खाएंगे ना दोनों बहन भाई? ये है, मेरा भी आई पड़ी है डाइट, देखो फुल डाइट खेल रहे हैं हम दोनों बहन भाई, फुल डाइट पे रह रहे हैं और वेट कम नहीं हो रहा 100%। मैं मिलता हूँ शाम को। ओके भैया, बाय बाय। मॉर्निंग पापा, नमस्ते। ड्रामे बाजी मत कर, सोया नहीं है तू? पापा प्लीज, आज ग्रहण है प्लीज। तो ग्रहण है तो प्लीज का मतलब क्या है? मुझे मूवी देखनी है। चल एक मूवी है। तो पायल क्या कर रही है बेटा? मुझे ना, मैं ऐसे बैठी हूँ, मुझे बार बार मेरी आँख बंद हो रही है। तो कटोरी में पानी लेके बैठी हूँ। तो बाहर भी नहीं जाना? नहीं, बाहर ऐसे घूम सकती हूँ पर रोशनी आ रही है ना, घर से बाहर नहीं जाना है? नहीं। तो भाई इतना बड़ा बेड है ना, इसके ऊपर ना तुम कबड्डी भी खेल सकते हो। बच्चे पहले बचपन में छोटे नहीं होते थे, खेलते थे ऐसे कूद कूद के बेड पे, दो बेड जोड़ लेते थे ना हम पहले के जमाने में, दो बेड जोड़ के सारे लोग सोते थे। अब हमने ऐसा परमानेंट बना लिया, ऐसा लगता है इसमें 7 बंदे आ जाएंगे, कभी कहीं जाना मतलब घर पे ज्यादा गेस्ट आ गए ना तो इसमें सुला सकते हैं। सारी औरतें एक बेड पे आ सकती है, औरतें और बच्चे, इतना बड़ा बेड है। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो और आज मैं गाऊंगा अपनी आवाज में गाना और बहुत ही जल्दी रिलीज करेंगे, तो वेट एंड वॉच। पापा कौन से स्टूडियो जा रहे हो आप? वहीं पे जाऊंगा था लास्ट टाइम, चलने सोना तेरे को, सो जा चुके। कोई नहीं जाना, कल इसका स्कूल है और ये सुबह का 9:30 बजे को उठा हुआ है और शाम को इसका सोने का टाइम हो जाएगा, 8 बजे सोना है, कोई नहीं जाएगा बाहर। ठीक है बेटा, मम्मी का हुक्म होगा, नहीं जा सकते, ठीक है? तो भैया आधे घंटे सोने के बाद उठे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं। दुख इस बात का है गोलू और पहला बिल्कुल भी नहीं सोए, देखो इनके चेहरे देखो बच्चों के, वेट कर रहे हो? बस हम खत्म होते ही नहाएंगे फटाफट, कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है बहुत तेज। काठ में भी ऑर्डर कर दिया, हाँ मैंने 4 मैकपफ ऑर्डर करे हैं और 1 फ्रेंच फ्राइज करे, 1 पायल के लिए मैकपफ, 1 मेरे लिए, 1 नितिन भैया के लिए, 1 चीकू के लिए और फ्रेंच फ्राइज, सब बोल भी नहीं पा रही, सबके लिए। कितनी खा जाएगी पता है? 4 खा जाऊंगा के लिए नहीं, सबके लिए, 4 करे सबके लिए, खा नहीं पाती, ऐसे लगता है खा लूंगी
पर खाऊंगी एक ही। तो गाइज ये इनकी ना शाम की ड्रिंक आ गई है, ये है तुलसी वाली ग्रीन टी, साथ में आए हैं खजूर, अंजीर और ये आए हैं सीड्स आए हैं। तो ये इनको अगर शाम को कभी भूख लगेगी ना, तो डाइटिशियन ने बोला तो आप ये खा सकते हो। तो देख सकते हो कितना मुश्किल है हेल्दी खाना खाना। और हर्बल टी के ना 1 से 1.5 घंटे बाद ना मैंने स्मूदी बाहर रख दिया फ्रिज से ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। इसमें है पीनट बटर, एप्पल, चिया सीड्स, ताकि इनको अगर भूख तब भी लगेगी ना तो ये जो इनकी भूख है कवर अप कर देगी। तो गाइज चीकू के पापा आजकल इतने बिजी रहने लगे हैं, इतना बिजी रहने लगे हैं, अभी लेके बैठे थे और फोन आ गया, अब इनको जाना है डबिंग करने, तो साथ में लेके जाओ वहीं पे खा लेना बैठ। तो हम मिलवाने वाले हैं आपको बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट मनमीन, और ये एक एंकर है, एक आर्टिस्ट है, एक डांसर है, और जितनी तारीफ की जाए कम है। मनमीन यहाँ पे है और दिखने वाली आपको बहुत सारी चीजों में, एक्टिंग में, गानों में। बहुत टाइम से आपके व्लॉग्स देख रही हूँ, शुरुआत में इस चीज से करना चाहूंगी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद यू इन योर कार, एंड बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं प्रोजेक्ट्स दी। आई एम अ पंजाबी, दैट इज़ वाई मैं पंजाबी से गल कर रही हूँ। की गल है, तुसी गल कर रहे हो मनवीन कौर नाल, सिटिंग विद अरमान मलिक एंड कमिंग अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। तो हम पहुंच गए गाइस स्टूडियो में और आज होगा धमाका, बहुत बड़े वाला, बहुत बड़े, बहुत ही बड़े वाला धमाका। पाजी से आज हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं? हो गए 5-6 दिन हो गए। और जो शूट वाली बात तो बता दो। हाँ शूट पे मिले थे। हाँ शूट पे हुआ क्या था? मतलब शूट पे जबरदस्त फिल्म का सेट था, आप जब देखोगे ना आपको लगेगा नहीं वो गाना है, वो सच में फिल्म शूट हो रही थी, बहुत ही बड़ी। और इसी के साथ सरप्राइज दे देते हैं भाई आपको हम, सन्नी भाई है, सन्नी कुंडू, जिसने सुना हरियाणा में नाम, और कुछ मजेदार लेके आए हैं, क्या बोलते दादा? अरमान भाई के पास आए हैं, पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, बाकी कुछ करते हैं अलग, डीजे सीजन है तो डीजे ही चलेगा। तो हमारे सामने आ चुके हैं अरमान मलिक। नहीं डीके भाई देखो हमारी राम राम जी सारे ना, तो फिर आप कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगी दो लाइन में। जिस दिन तू मेरी गेल बोला है कि मर जानी अरे माँ गाने में, उस दिन कमाल हो जाएगा। तो कमाल हो रहा है भैया, 8 दिन मैंने गाया ही बहुत बेस्ट है, मेरे से तो गाया नहीं जाना। गाना नंबर 8 पे चला ट्रेंडिंग, 8 दिन हो गए, कांग्रेचुलेशन। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन में ना 1-1 साल ट्रेंडिंग रहने वाले गाने, है ना? तो ऐसा ही होगा। तो गाइस आज होने वाला जबरदस्त आतंक, तो आज पहली बार मैं गाना गा रहा हूँ और वो चीज़ें पूरी दिखने वाली हैं। लिखा किसने है? लिखा है ठीक है भाई ने। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ म्यूजिक कौन बना रहा है, हमारे बड़े भाई उधर है। मैंने म्यूजिक बेसिकली मेरा चैनल है, सो वहाँ पे मैं अपने सारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने गाने आते हैं, उनकी डीकंस्ट्रक्शन करता हूँ। चैनल का लिंक ना बायो में जाके देखना, सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। तो गाइज आप एक अलग रूप अरमान भाई का आपने देख लिया, कमाल हो जाएगा सॉन्ग में, जैसे कि उनका डांस आपने देखा मेरे हिसाब से पहली बार देखा होगा, और आज एक अलग रूप जो आज वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडियो में एज ए सिंगर लॉन्च कर रहे हैं हम उनको। लिखा है मैंने, गाएंगे अरमान भाई, परमात्मा से दुआ। म्यूजिक कर रहे हैं हमारे केपी भाई, हम आपको यहाँ दिखेंगे लाइफ टाइम के लिए। तो शुरू करते हैं सरस्वती माता का नाम लेके। तो बस जोरों शोरों से लगे हुए हैं और मोटिवेशन हमारे पाजी हैं, केपी पाजी हैं, और एक हमारे बिल्कुल खतरनाक प्रोफेशनल सिंगर आगे पीछे। हाय हेलो गाइस। पर जो अरमान भाई ने जो मतलब गाया है ना, अगर आप देखोगे ना आप कहोगे कि यार पहली बार बहुत बड़ी बात है, आप जब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा आप भगवान हो, आप ऑडियंस सब कुछ जानती हो, आपको पता चल जाएगा। नहीं नहीं देखो कुछ चीजों में ना गुरु होते हैं, हमारे तो 1-2-3 गुरु बैठे सिखाने वाले। ये मतलब कुछ भी बन जाओ, एक अपनी औकात और एक सिखाने वाले को मत बोलना। बहुत मेहनत होती है भैया गाने में, कहीं को लगता है ना कि भाई सिंगर बन जाएंगे, पसीना आता है। आसान नहीं होता सिंगर बनना, ये एक तपस्या है बहुत तगड़ी वाली। तो गाइस अभी गाना थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है और पाजी कह रहे हैं चक देंगे काम, तो उससे पहले चिकन चकने जा रहे हैं, आ जाओ। तो गाइस गाना रिकॉर्ड हो गया है, ये बोल रहे हैं अच्छा है, पर मैं चाहता हूँ हमारे पाजी हैं सिंगर है खुद, वो बताएंगे क्या चीजें थी क्या नहीं थी, वो बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाने का, और क्या गाया क्या निभाया, और सबसे बड़ी बात जो मेन प्रॉब्लम आती है हमेशा गाने में रिदम, और वो ऑलरेडी नॉलेज है भाई को, इसीलिए बहुत अच्छा गाया गया, और बस गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या ना, जो मैंने गाना गाया है तो उसमें भैया हमारे साथ भाई भी हमारे छोटे जो भी होगा तरुण भाई हैं और भी आप परिचित भी हैं, तो ये टारगेट है जितने भी हमारी टीम है जितने हमारे लोग हैं, तो अपने टीम का नाम रख दिया है फैमिली फिटनेस टीम, कैच करेंगे सबको फिट भी करेंगे। तो गाइस आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, पाजी बताएंगे पॉडकास्ट शुरू करने वाले कब से शुरू करने वाले हैं। हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, आपको बता देंगे पहला पॉडकास्ट किसके साथ हो रहा है और इसी स्टूडियो में हो रहा है, अरमान भाई कर रहे हैं। चैनल भी आने वाला, हम चाहते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी एक जर्नी कहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या किया उन्होंने, ये गाना गाने से पहले उनकी क्या सोच थी कि क्यों गाया, वो सारी चीज़ें आपके सामने रिवील करने वाले। शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी, हमने भी गाना गा दिया, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो अभी हम निकलते हैं, रात के लगा लो 2:30 बज गए, तो सक्सेस हमेशा जाग के आती है। ऐसी रातें काली होती रहेंगी और आपके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। बिल्कुल। तो गाइस धुंध होनी शुरू होगी, आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी धुंध है चारों साइड। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें।